नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गन मेटल की सबसे बड़ी ड्रॉप इट पॉइंट, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी चैन टाइट की जाती है और दोनों चीज़ें कवर करेंगे। गाड़ी को कुछ सबसे बड़ी कमी है मेरे को जो लगी है, खुद का मेरा जो ओपिनियन है, मैं आपको इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि गन मेटल ग्रे का सबसे बड़ा ड्रॉप पॉइंट क्या है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि ये कमी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, आज नहीं तो कल आपके साथ डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने अपना नया मॉडल जो थंडरबर्ड लॉन्च किया है उसके अंदर इस कमी को उसके अंदर छुपाया गया है, या कहो तो ख़त्म किया गया है, या उसके ऊपर काम किया गया है। वो अभी आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो को थोड़ा चलाने के बाद। और फिलहाल इसका देख लेते हैं कि चैन कैसे टाइट की जाती है, फिर उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे हम। जो अगर चैन ढीली होती है, सबसे पहले जो तरीका होता है पहचानने का, चैन हमारी इस साइड से यहाँ पर जो पैड है ना, इसके ऊपर टकराने लगती है, नीचे की साइड में डाउन हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है, चैन को आप इस तरीके से उठा के देखें और देखिए कितनी ज़्यादा ढीली हो चुकी है, और गियर डालने पे खट करके आवाज़ करने लगती है। तीसरी पहचान, चौथी पहचान, जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो झटके बहुत ज़्यादा लेने लगती है, और बहुत ज़्यादा झटके लेने लगेगी तो आप चैन को इस तरीके से हिला के देखिए और चैन बहुत ज़्यादा ढीली रहती है। ये चार तरीके हैं चैन को पहचानने के कि चैन ढीली है तो कैसे पहचाना जाए, और चैन कितनी टाइट रहनी चाहिए ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर चैन टाइट करनी है तो एक ये 24 नंबर का बोल्ट है, 30 नंबर का बोल्ट है, दो 12 नंबर के बोल्ट हैं, इनको कैसे खोला है, कितना ढीला किया जाता है, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो ये बोल्ट को, ये जो तरीका है इसके लिए आपको 24 नंबर की चाबी, 30 नंबर की चाबी और 12-13 का पाना या चाबी लेकर रख लें और इसको आराम से ढीला करें, 4-5 चूड़ियाँ ढीला कर लें आराम से। और अच्छे से जब ढीला कर देंगे, ये 3 चूड़ी, 4 और ये 5 चूड़ी ढीली हो चुकी हैं। इसके बाद क्या करना है, 30 नंबर की चाबी इसके अंदर यहाँ पर लगाना है और इसको ढीला करना है, और इसको भी ढीला कर दें, ये ढीला कर दिया। अब इसके बाद ये 12 नंबर के यहाँ पे दो बोल्ट नट दे रखे हैं, बाहर वाले को ढीला करना है, अंदर वाले को टाइट करना है, तो वो देखते हैं। पहले मैं चाबी ले लेता हूँ 12 नंबर की। तो यहाँ पर 12 नंबर के नट को ऊपर की साइड को ढीला किया जाता है, एंटी क्लॉक बोलते हैं, और अंदर वाले नट को क्लॉक वाइज टाइट करना है। तो यहाँ 3 बार मैंने टाइट किया। इसके बाद चैन को थोड़ा सा ऊपर हिला के देखना है, और मेरे को लगता है इतना ठीक है, क्योंकि नई गाड़ी रहती है तो चैन जब थोड़ा सा ढीली रहती है, और थोड़ा सा ढीली रहने पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गई तब आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं दिखाता हूँ कितना रहनी चाहिए। देखिए अभी यहाँ पैड के नीचे पूरा एक उंगली का गैप आ चुका है नीचे की साइड में, और यहाँ से हिला के देखने पर देखिए इस जगह से अभी इससे ज़्यादा नहीं हिल रही है, टॉप यहीं तक जा रही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं MM बाई बताऊँ, और अब जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो है पढ़े लिखे लोगों के लिए, अगर आपके पास इंच टैप है या स्केल तो इस जगह से कैची से लेके, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, इस कैची से लेके जो चैन है उसके बीच का गैप 15 mm होना चाहिए, और उससे ऊपर ज़्यादा उठेगा तो चैन जो है ढीली है, 15 mm कम से कम रहना चाहिए, वो सबसे बिल्कुल करेक्ट तरीका रहता है चैन टाइट करने का। तो ये चैन अभी टाइट है, इसके बाद यहाँ से हमें 30 नंबर का बोल्ट टाइट कर देना है, और उसके बाद दूसरी साइड से भी 3 चूड़ियाँ हमने टाइट करना है जो हमने इधर साइड से किया था नट को, और इसके बाद हल्के हाथ से इसको टाइट कर लें, क्योंकि अगर ये ढीला रह जाता है तो ये नट बाद में गिर जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। और पल्सर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि पल्सर के जो मैकेनिक, बजाज के जो मैकेनिक होते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर कोई, ये नट ढीले छोड़ देते हैं जिसकी वजह से ये नट पीछे के खुल जाते हैं और जो पत्ती होती है वो गायब हो जाती है। अब दूसरी साइड से भी कर लेता हूँ, सेम पोजीशन सेम तरीका होता है। हाँ ना, पहले बताओ, इसका ढीला रहने से जो ये मोनू मैंने बताया पत्ती ढीली रह जाती है, उससे एक आवाज़ आ जाती है गाड़ी में छन 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 छन, जो हमें ज़्यादा इरीटेट करती है। तो इस पत्ती को टाइट करना ना भूलें, इसको अच्छे से टाइट करें। तो दूसरी साइड से भी इसको बाहर वाले को ढीला करना है और अंदर वाले को
चेन तीन चूड़ी टाइट करना है जितना कि हमने दूसरी अपोजिट साइड से किया था। इससे हमारा चैन जो है बिल्कुल एक्यूरेट, टायर बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, इस पॉकेट ख़राब नहीं होगा, प्लेट ख़राब नहीं होगी और गाड़ी बिल्कुल अलाइनमेंट सीधा रहेगा। दूसरा तरीका, इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे से आपको लाइन दिखेंगी, दोनों साइड से बिल्कुल एक्यूरेट नाप लें और उसके बाद इसको फिक्स रखें, दोनों एक ही बिल्कुल पोजिशन बिल्कुल सीधा रखें और दोनों साइड से जो डॉट होते हैं उसको नाप लें डॉट को और बिल्कुल बराबर रखें। यही तरीका होता है चैन टाइट करने का। उसके बाद दूसरी साइड से 24 नंबर के बोल्ट को टाइट कर देते हैं। अब जब हम चैन टाइट कर चुके होंगे उसके बाद हमने एक बार टायर घुमा के देखना है कि टायर हमारा फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। और उसके बाद ये 24 नंबर का नट होता है, इसको भी टाइट कर लें और ये आसानी से टाइट हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके बारे में मैंने बताया था कि अभी तक का जो थंडरबर्ड बोले तो या फिर गन मेटल ग्रे बोले तो दोनों के अंदर सबसे बड़ी कमी थी, जो रॉयल इनफील्ड ने अभी अपनी नई थंडरबर्ड के अंदर सुधार किया है या इम्प्रूवमेंट किया है या एक कोशिश है कि कैसा काम करता है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने इससे पहले अभी तक किसी भी बाइक के अंदर अलाइबल नहीं दिए थे और वो अलाइबल हमारी रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड के अंदर दिए हैं। तो वो कमी क्या थी, सबसे बड़ी कमी मैं आपको दिखाता हूँ और वो रही ये 1, 2, 3, 4 पांच तिल्लियाँ टूट रखी हैं। अब इसमें क्या पूरा व्हील हमारा इस तरह हिलता है, इधर को ऐसे ऐसे हिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा सबसे बड़ी कमी अभी तक को जो मेरे को लगी है वो यही है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है और ये गन मेटल ग्रे और थंडरबर्ड में सबसे ज़्यादा आने वाली है और इसके ऊपर रॉयल इनफील्ड काम कर चुकी है और आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकल कर आता है, क्या ये सक्सेस होता है या फ्लॉप होता है, जो भी रहता है। और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैंने जो आपको दिखाया है क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, या आपके पास गन मेटल ग्रे है या फिर थंडरबर्ड है तो उसमें ये सेम प्रॉब्लम है या नहीं है, इतना बस कमेंट सेक्शन में आप इतना बताइए हाँ या ना। चलिए फिर फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के जय हिंद, वंदे मातरम।